मुंबई का एक हॉस्पिटल है जहाँ पर लगभग 14 साल की एक लड़की एडमिट है। उस लड़की के इलाज के लिए लेडीज़ डॉक्टर, पूछताछ के लिए लेडीज़ पुलिसकर्मी है वो, और सफाई के लिए जो लेडीज़ कर्मचारी होते हैं वो है। इसका कहने का मतलब है कि उस कमरे के अंदर जो है एंट्री महिलाओं की है, औरत की है। इसके अलावा वहाँ पर पुरुष की एंट्री नहीं है, पुरुष को बैन किया हुआ वहाँ पर उस कमरे में, पुरुष नाम से बैन है और ना ही पुरुष का किसी का नाम लिया जा सकता है। दरअसल वो लड़की जो है पुरुष नाम से इतना भयभीत है, इतना डरी हुई है कि नाम सामने जो आता है तो उसकी सांसें जोर जोर से चलने लगती हैं। उसे देखकर ऐसे लगता है जैसे कि वो मर जाएगी। 11 सितंबर की शाम 5 बजे तक भी वो लड़की ज़िंदगी की जंग लड़ रही थी और सांसें उसकी ऐसी ही चल रही थी। उसे वाकई बहुत सारी प्रार्थनाओं की ज़रूरत है। वो लड़की दिल्ली की निर्भया से कम नहीं थी, क्योंकि उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है, बल्कि कुछ ज़्यादा ही कहें तो उससे कम नहीं होगा। आदाब नमस्कार सत श्री अकाल, मैं मोहित यादव आज के लिए इस एपिसोड में जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना महाराष्ट्र के पुणे शहर की है। दरअसल यहाँ पर एक थाना है बनवाड़ी, और इसी थाने क्षेत्र में रहने वाली एक लड़की जिसकी उम्र 14 साल है, उसके माता पिता जो हैं वो एक बतौर नर्सरी में काम करते हैं, जहाँ के पेड़ पौधों की रखवाली करते हैं या उनको तैयार करते हैं। ये 31 अगस्त की रात 10 बजे की वारदात है। ये लड़की अपने एक दोस्त से मिलने के लिए पुणे के एक रेलवे स्टेशन पर मिलने के लिए पहुंच जाती। वहाँ पर जाकर वो उस लड़के का इंतज़ार कर रही थी। रात के 10 बजे हुए थे, मगर उसका दोस्त नहीं आया वहाँ पर, जिसको लेकर वो परेशान हो रही थी। अचानक ही उस लड़की पर एक ऑटो वाले की नज़र पड़ जाती है, और जैसे ही ऑटो वाले की नज़र पड़ती है उससे पूछता है कि तुम क्यों रो रही हो, क्यों परेशान हो, क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ। तो लड़की जो है उसको एक सहारे की ज़रूरत थी। उसको लगा कि शायद ये जो व्यक्ति है, लगभग जिसकी उम्र 30 से 32 साल थी, उसने लड़की ने अपने दास्तां को उस ऑटो वाले को सुना दिया और उसको बताया कि वो अपने घर वालों के बिना मर्जी के रेलवे स्टेशन पर अपने दोस्त से मिलने आई है और वो दोस्त नहीं आया, इसलिए वो परेशान है। इतना सुनने के बाद वो ऑटो वाला वहाँ से चला जाता है और करीब 10 मिनट बाद वो वापस आता है। उसने उस लड़के को कहा जिसका तुम इंतज़ार कर रही थी, दरअसल वो लड़का बाहर खड़ा है और तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। वो रेलवे स्टेशन के अंदर आना नहीं चाहता, वो यहाँ पर इसलिए नहीं आना चाहता कि वो शर्मिंदा है अपने किए पर, इसलिए मैं तुम्हें उससे मिलाता हूँ, तुम बाहर चलो। तो लड़की रो रही थी काफ़ी देर से, इसलिए उसके पास ना कोई आसपास था, ना ही पानी पीने के लिए कोई जगह थी। ऑटो ड्राइवर ने उसको एक बोतल दी, उसको पानी पिलाया और दोनों साथ साथ बाहर तक चल रहे थे। अचानक से लड़की को चक्कर आने लगते हैं और वो गस खाकर इससे पहले गिरती, वो लड़का उसे ऑटो तक लेकर पहुँच जाता है। उसके पास वो ऑटो वाला उसे जंगल की ओर ले जाता है, जहाँ ले जाने के बाद उसके साथ बलात्कार करता है और उसको कई घंटे तक अपने साथ रखता है। वो 14 साल की लड़की, उसे कुछ होश नहीं था, क्योंकि वो नशे में थी। उसे पानी के रूप में कुछ नशीला पदार्थ पिलाया गया था। इसके बाद जब यह 2 या 3 घंटे बीत जाते हैं, वो ऑटो ड्राइवर जो है एक लॉज में उस लड़की को लेकर जाता है। वहाँ एक छोटा सा होटल होता है, उस होटल में जब लेकर जाता है तो वहाँ पर पहले से ही कुछ लड़के, कुछ युवक उसका इंतज़ार कर रहे थे। लड़की एक कमरे में जाती है। 31 अगस्त की रात 10 बजे ये वाकया शुरू होता है। उसके बाद होटल में जाने के बाद, लॉज में जाने के बाद, उस लड़की को अंदर कमरे में बंद कर दिया जाता है, उसके पूरे कपड़े उतार दिए जाते हैं, यानी कि उसके बदन पर एक भी कपड़ा नहीं रहता। अब वो लड़की शर्मा रही है, परेशान है, लेकिन उसके साथ पहले ही बलात्कार हो चुका है। धीरे धीरे उसे होश आता है। तब तक उसके साथ लगभग 12 लड़के बारी बारी से रेप कर चुके थे। दिन निकल आता है और दिन भर यही काम चलता रहता है। एक के बाद एक लड़का आता रहता है और ये सिलसिला लगातार चलता रहता है। शाम हो जाती है, यानी कि इस कमरे के अंदर वो लड़की लगभग 24 घंटे तक रहती है और वो 12 लड़के 24 घंटे उसके साथ बलात्कार पर बलात्कार करते रहते हैं। वो भूख से प्यास से तड़पती रहती है। वो कई बार बोलते हैं कि उसे खाना दे दो, उसे पानी दे दो, लेकिन कोई उसकी गुहार नहीं सुन पाता, उसकी गुहार सुनना ही नहीं चाहता था। उसकी चीखों की आवाज़ भी उस कमरे से बाहर जा भी रही थी, तो ना जाने क्यों वो होटल मालिक, यहाँ की वो आसपास के लोग
उस आवाज़ को सुन ही नहीं पा रहे थे। यह भी बताया जा रहा है कि उस लड़की को बार बार इंजेक्शन दिया जा रहा था, नशीली चीज़ें दी जा रही थी जिससे कि वो शोर ना मच सके, वो बेहोश रह सके। इसलिए वो लड़की बार बार रिक्वेस्ट करती रही, बार बार माफ़ी मांगती रही, बचाने की गुहार लगाती रही, लेकिन 12 लड़कों में से एक लड़के को दया जाती है। उसके बाद ये लड़का उस लड़की को ले जाकर मुंबई के दादर रेलवे स्टेशन पर छोड़ देता है। अब ये 12 आरोपी हैं, ये फरार हो चुके थे। इन्होंने सोचा कि अभी वो लड़की शायद चली जाएगी। दादर रेलवे स्टेशन पर जाने के बाद वहाँ पर 2 सफाई कर्मचारी मिलते हैं और वो 2 कर्मचारी उस कर्मचारी जो है उसकी लड़की की हालत को देखकर उसके साथ बलात्कार करते हैं। यानी कि अभी वो उन लोगों से बची थी कि 2 सफाई कर्मचारियों ने भी उसके साथ बलात्कार जैसी घटना को अंजाम दिया। दादर रेलवे स्टेशन के सफाई कर्मचारियों ने उसके साथ बलात्कार करने के बाद अपने पास काफ़ी समय तक रखा और एक ऐसी ट्रेन में बिठा दिया जिस ट्रेन की जो दिशा थी वो उत्तर की ओर थी। कई 100 किलोमीटर का सफ़र तय करते करते लड़की जो है चंडीगढ़ पहुंच जाती है, एक कोने में डरी हुई सहमी हुई लड़की। इस बीच न जाने कितने लोग आते हैं जाते हैं मगर किसी की भी व्यक्ति की नज़र उस लड़की पर नहीं पड़ती। वो बहुत बड़ी परेशानी से गुजर रही थी, उसकी परेशानी किसी को दिखाई नहीं दे रही थी। ये भी किसी ने जानने की कोशिश नहीं की कि 48 घंटे से ज़्यादा उसके साथ 12 अलग लोगों ने और 2 सफाई कर्मचारियों ने बलात्कार किया। उसके साथ इसकी इतनी दरिंदगी हुई थी ना जाने क्यों किसी की नज़र उस पर नहीं गिरी। जैसे ही ट्रेन चंडीगढ़ में जाकर रुकती है, एक GRP का पुलिसकर्मी उधर से निकल रहा था। अचानक वह उस लड़की को देखकर पल भर में समझ जाता है कि इसके साथ कुछ तो गड़बड़ हुई है। वो उस लड़की से कहता है कि तुम परेशान हो, मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ। मगर लड़की जो है पुरुष जाति के नाम से डरी हुई थी, घबराई हुई थी। उसे लग रहा था कि हो ना हो ये भी उसे ले जाकर उसके साथ बलात्कार करेगा। वो लड़की जो है वो चंडीगढ़ उतर जाती है क्योंकि उस ट्रेन का जो लास्ट स्टॉपेज था वो चंडीगढ़ ही था। अब वो रेलवे स्टेशन पर उतर जाती है और डरी सहमी एक समय बैठी हुई रहती है। मगर वो पुलिस वाला बहुत ही अच्छा इंसान था, उसने CWC यानी कि चाइल्ड वेलफेयर कमेटी से संपर्क बनाया। वहाँ की एक महिला अधिकारी थी, तत्काल मौके पर पहुँची, उस लड़की को खाना खिलाया, उसे अपने पास बिठाया और घंटों तक उसको दुलारती रही, पुचकारती रही। एक माँ की भूमिका में उस महिला ने काफ़ी साथ निभाया। उसने कुछ ही घंटों में उस लड़के का दिल जीत लिया। उसके बाद उस लड़की ने अपनी आपबीती उस महिला को बताई और अपनी पूरी आपबीती चंडीगढ़ पहुंचने तक की सारी कहानी बताई। अब उस महिला कर्मचारी का और उस लड़की का दोनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। बात रोने वाली नहीं थी, किसी भी बेटी के साथ, किसी भी बहन के साथ इतनी भयानक वारदात होती है तो शायद आंसुओं के अलावा और कुछ निकलेगा भी नहीं। निकलेगा तो उन दरिंदों के लिए बद्दुआएं या फिर कानून से सख्त की सख्त सज़ा की मांग की जाएगी या उसकी गुहार निकलेगी। वो लड़की अचानक अपने घर से गायब हो जाती है। जो उसके माँ बाप बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, उन्होंने वहीं एक बनवाड़ी थाने में अपनी बेटी के गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। लेकिन वाकई यहाँ की भी पुलिस काफ़ी अच्छी थी क्योंकि बनवाड़ी थाने की पुलिस ने आसपास के लोगों से काफ़ी पूछताछ की, उसके बारे में काफ़ी जानने की कोशिश की। उसके मोबाइल नंबर के CDR निकलवाई गई, उस इलाके में जितने भी CCTV कैमरे थे उनके बारे में पता करने की कोशिश की, मगर उस लड़की के बारे में कुछ पता ही नहीं चल पाया। पता चलता है तो उसके बाद पुलिस ने बड़ी ही गंभीरता से, बड़ी ही शालीनता से इस मामले की खूबसूरती से जांच की है। यानी कि इस मामले में पुलिस की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। जैसे ही चंडीगढ़ की पुलिस बनवाड़ी की पुलिस से कॉन्टैक्ट करती है, उसके बाद यहाँ से उस लड़की को हवाई जहाज़ के माध्यम से मुंबई लाया जाता है। उसके मुंबई लाने के बाद उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है। जितना भी स्टाफ है, टोटल के टोटल महिला स्टाफ ही उस लड़की के इलाज में, उसकी खिदमत में, उसकी हर ज़रूरतों को पूरा करता है। क्योंकि वो लड़की पुरुष जाति के नाम से डरी हुई थी, घबराई हुई थी। इसके बाद पुलिस ने जब मामले की जांच पड़ताल शुरू की तो 100 से ज़्यादा CCTV कैमरों को खंगाला गया और खंगालते खंगालते आखिरकार पुणे के रेलवे स्टेशन पर एक ऑटो जाता हुआ मिलता है, उसी में वो लड़की मिलती है और उसी ऑटो का नंबर जो है CCTV कैमरे में कैद हो जाता है।
पुलिस ने उस आरोपी को कैद कर लिया जिसकी उम्र 30 साल थी और एक एक करके जितने भी लोग थे 12 के 12 लोगों को पकड़ा गया। उसके बाद इस लड़की ने जो बताया था, दादर रेल स्टेशन पर दोनों सफाई कर्मचारी हैं उनको भी पकड़ा गया। फिलहाल इस मामले में 16 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है जो इस केस से सीधे सीधे जुड़े हुए हैं। मुंबई पुलिस की इस प्राथमिकता है कि इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए ताकि अगले 10 से 15 या फिर एक महीने में इस केस में निर्णय आना चाहिए और इस केस में जितने भी आरोपी हैं सबको फांसी की सज़ा कम से कम होनी चाहिए। मैं सल्यूट करता हूँ उस पुलिस को, उस जीआरपी पुलिस के सिपाही को, और मैं सल्यूट करता हूँ उस महिला को जिसने इस लड़की का दिल जीता, जिसने उन लोगों को हॉस्पिटल तक पहुँचाया, और मैं सल्यूट करता हूँ उस पुलिस को जिस इस मामले को महज 5 या 6 दिन में खोल कर रख दिया। ये कहानी आपको ज़्यादा न्यूज़ चैनल पर देखने को मिलेगी नहीं, मीडिया की जो जिम्मेदारियाँ होती हैं वो कम पूरी कर रहे हैं। वाकई इस खबर को उठाने की ज़रूरत थी, लोगों को सचेत और जागरूक करने की ज़रूरत थी, उस बेटी को न्याय दिलाने की ज़रूरत थी, तो शायद हमने इस कहानी को आपके सामने रखा है। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या फिर किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना और जागरूक करना है। आप जहाँ भी रहें अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।